हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सितंबर 2021 थाउजेंड एंड ट्वेंटी बाईस सितम्बर दो का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे साथ ही पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बताता ही हूँ तो वह मैं आपको बता दूंगा स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि जो आपको कभी कभी शर्म आने लगती है वीडियो लाइक करने में सब्सक्राइब करने में चैनल को शेयर करने में तो वो आप शर्म को त्याग दीजिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के वीडियो लाइक करिए शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ पहला सवाल है विद रेफरेंस टू नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि एन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट लेंडर्स शैल होल्ड इक्वल ओनरशिप इन एन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्वायर्ड बाय एन ए वुड बी हैंडल्ड बाय द इंडियन इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ क्वेश्चन नंबर टू इज विद रेफरेंस टू शांख लिपि स्क्रिप्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो शांख लिपि स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है uh, पहला स्टेटमेंट कैराइट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्नेट स्पाइरल कैरेक्टर्स अज्यूम्ब टू बी ब्राह्मी डेरिवेटिव लुकिंग लाइक कॉन्च एसेल्स दूसरा स्टेटमेंट है इट इज फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ई सेवन ग्रुप ई सेवन का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं फर्स्ट इज इंडिया सेकंड इज ब्राज़ील थर्ड इज चाइना आपको बताना ई सेवन का मेंबर कौन सी कंट्रीज़ हैं वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री या वन टू एंड थ्री अब ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा बट आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि आप अटैम्प्ट इनको जरूर करिए कमेंट सेक्शन में आप इनको अटैम्प्ट जरूर करिएगा एज अ प्रैक्टिस मान करके चलो ये तीन क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप अगर नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं तो नॉट अटैम्प्टड लिख दीजिए नॉट अटैम्प्टेड या एन ए लिख दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो आप करिए थोड़ा एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि, कि किस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर योर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ पहला सवाल मैंने पूछा था कि एन ए आर सी एल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है जो पी है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका जो होल्डिंग रहेगा वो फिफ्टी का रहेगा और प्राइवेट का होल्डिंग जो रहेगा वो फोर्टी रहेगा तो इसका होल्डिंग फिफ्टी है पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा जरूर सही है आई आप सबको पता है कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है आई वो हैंडल करेगी इसके, इसके स्ट्रेस्ड एसेट्स को तो सेकंड बी ओनली विल बी द दंसर शांकलिपिक स्क्रिप्ट के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं आप सबको मैंने कल ही बताया था कि ये एक शेल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बोलते है, तो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ये मैंने आपको बताया था इसकी लोकेशन कहां कहां पर है तो सी विल बी आंसर तीसरा सवाल ई सेवन ग्रुप का मेंबर तो इसका आंसर डी होगा ये तीनों ही कंट्री ई सेवन के मेंबर है ई सेवन के मेंबर एक बार आप नोट कर लीजिए चाइना इंडिया ब्राजील मेक्सिको रशिया इंडोनेशिया टर्की ये ये कंट्रीज ई सेवन का मेंबर हैं चाइना इंडिया ब्राज़ील मेक्सिको रशिया इंडोनेशिया एंड टर्की आर द मेंबर्स ऑफ ई सेवन ये टर्म बेसिकली जॉन हॉक्सवर्थ ने इसको डेराइव किया था एंड 2006 में ये डेराइव हुआ था और बेसिकली इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए इमर्जिंग सेवन आप इनको बोल सकते हैं तो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना आगे देते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जिसके बारे में आप लिख के मुझे बताएंगे पॉइंट्स देंगे वो है वाई इस सेंसस सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया जो डिकेडल सेंसस होता है ना डिकेडल डिकेडल सेंसस की बात चल रही है यहाँ पे याद रखेगा वाई इज डेडल सेंसस सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इज द आइडिया ऑफ कास्ट और रिलीजियस सेंस गुड आइडिया तो क्या जो आइडिया आया है रिसेंटली कि कास्ट सेंसस करना चाहिए रिलीजियस सेंसस करना चाहिए एक अच्छा आइडिया है या नहीं आपको बताना है तो आपको हाईलाइट करना है प्रोज एंड कॉन्स की कास्ट सेंसस या रिलीजियस सेंसस अगर हम करते हैं तो उसका तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं और सेंसस ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिया के लिए, के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सेंसस या बताइए बताइए तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया स्कोर्स 46th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 तो इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में वो 46th रैंकिंग है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है कौन रिलीज करता है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाइपो इसको रिलीज करती है किसके साथ इन पार्टनरशिप विद द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड विद द सपोर्ट ऑफ कॉरपोरेट नेटवर्क पार्टनर्स तो मेन इसमें याद रखना है जो बॉडी आपको वह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो ठीक है ना दैट इज द मेन बॉडी विच यू हैव टू रिमेंबर ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है वन थर्टी टू वर्ल्ड इकोनॉमी को रैंक करना अकॉर्डिंग टू देयर इनोवेशन कैपेबिलिटीज उन कंट्रीज की इनोवेशन कैपेबिलिटीज के बेसिस पे उनको रैंक करना इसका ऑब्जेक्टिव है अब इसमें लगभग 80 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं जिसमें कि इंस्टीट्यूशन ह्यूमन कैपिटल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट लिंकेज एंड एब्जॉर्बशन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज क्रिएटिव आउटपुट्स की सारे पैरामीटर्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं इस बार के इंडेक्स में जो कंट्री जिसने टॉप किया है वो है सिंगापुर uh, ने टॉप किया है और सिंगापुर के बाद इसके बाद स्वीडन है यूएस है यूके है ठीक है ना तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा कौन कौन से हैं पहले स्विट्जरलैंड है फिर इसके बाद स्वीडन है यूएस एंड यूके है इसके अलावा एशियन इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो एशियन इकोनॉमीज में जिस इकोनॉमी ने टॉप किया है वो है आपका साउथ कोरिया ऑब्वियसली बात है एशिया में वैसे बहुत सारी इकनॉमीज़ अच्छी हैं लेकिन साउथ कोरिया जो है इट जम्प टू द फिफ्थ पोजीशन व्हिच इज़ अप बाय टेन पोजीशंस लास्ट ईयर तो पिछले साल से दस पोजीशन की बढ़ोतरी ली है एंड चाइना जो है वो ट्वेल्थ पोजीशन पे ये भी आप याद रख सकते हैं चाइना जो है वो ट्वेल्थ पोजीशन पे है ठीक है ना दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी अब ये जो वाइपो है ना वाइपो का याद रखेगा करेंटली जो मेंबर्स हैं वाइपो के हम वाइपो की बात करें उसमें वन नाइन्टी वन मेंबर्स हैं वाइपो के 191 नाइन्टी वन मेंबर्स हैं और वाइपो बहुत पुरानी संस्था है यू एन की संस्था है इट्स अ यू एन बॉडी वेरी ओल्ड बॉडी नाइनटीन सिक्सटी सेवन में बनी थी याद करिए रखेगा इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड हेडक्वार्टर जो है वाइपो का वो जनीवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को मनाया जाता है तो ये फैक्ट मैंने बेसिक आपको बता दिए वाइपो कब बना था कब नहीं बना था तो वाइपो के बनने का फैक्ट याद रखेगा नाइनटीन सिक्सटी सेवन बहुत पुरानी है यूएन बॉडी है Uh, और आपका ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इसका हेड क्वार्टर जो वो Geneva है जनीवा में है जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है तो दैट इज़ द फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर सो दैट इज द थिंग आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो दूसरी न्यूज़ थी मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया रेल कौशल विकास योजना रेल कौशल विकास योजना किसने लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च की है अब रेल कौशल विकास योजना क्या है बेसिकली बात कर लेते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है विच इज लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो रेल कौशल विकास योजना जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसका एम क्या है इसका एम है कि यूथ जो है यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिसका फोकस रहेगा जॉब्स रेलिवेंट टू द रेलवेज जॉब्स रेलिवेंट टू द रेलवेज उन उन सब्जेक्ट्स उन पे यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ठीक है ना अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो कैंडिडेट्स टेंथ पास हैं 18 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए ठीक है ना तो टेंथ पास होना ज़रूरी है और 18 से 35 साल का होना ज़रूरी है ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इनको जो ऐसी जॉब्स हैं विच आर रेलिवेंट टू द रेलवेज उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ठीक है ना इसका टारगेट है कि अगले तीन सालों में लगभग पचास हजार लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना की फीचर क्या रहेगा कि इसमें जैसे अलग अलग ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रीशियन वेल्डर मशीनस्ट फिटर इनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें दूसरी ट्रेड्स भी ऐड हो जाएंगी लेकिन मेन है इलेक्ट्रीशियन वेल्डर मशीनिस्ट और फिटर ये इंपॉर्टेंट है जो है ठीक है ना इसके बाद एंड पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रेनिंग शेल हैव नो क्लेम टू सीक इंप्लॉयमेंट इन रेलवेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर लेकिन ये कि जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो क्लेम नहीं कर सकते जॉब मतलब आप ट्रेनिंग ले लो बट यू कैन नॉट क्लेम दैट यू हैव अ राइट टू गेट अ जॉब आफ्टर यू डू दिस ट्रेनिंग तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लियर होना ज़रूरी है है ना अगली जो न्यूज है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसको महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल इंटरप्राइजेस का स्टेटस मिल गया है तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका महारत्न स्टेटस अब क्लियर हो चुका है पावर फाइनेंस क्रॉप कॉप्स लिमिटेड का तो ये क्वेश्चन पूछता है कई बार महारत्ना कौन से हैं नवरत्न कौन से हैं महारत्न स्टेटस याद रखेगा इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दिया जाता है दो में इंट्रोड्यूस किया गया था और बेसिकली ऐसे जो बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं उनको महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है नवरत्ना भी है महारत्ना भी है ठीक है ना महारत्ना स्टेटस के बेसिकली कुछ वो होते हैं कंडीशंस होती हैं जैसे कि एवरेज टर्नओवर मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन द लास्ट थ्री इयर्स एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड करोड इन लास्ट थ्री ईयर एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन फाइव थाउजेंड करोड़ डरिंग द लास्ट थ्री ईयर्स एंड शुड हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस इंटरनेशनल ऑपरेशन होने चाहिए आपके ये सारी चीज़ें देखी जाती है उसके बाद आपको महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है अगली न्यूज़ है एस सी ओ की एक्सरसाइज पीसफुल मिशन तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है अगर आपसे कोई पूछे कि ये पीसफुल मिशन किसकी एक्सरसाइज है तो पीसफुल मिशन जो है वो एस सी ओ की एक्सरसाइज है एस सी ओ की एक्सरसाइज है और इसको क्लियर जा रहा है कहां पे रशिया में किया जा रहा है तो याद रखिएगा दिस इज बीइंग डन इन रशिया एंड इसका नाम है 2021, 2021, है पीसफुल पीसफुल मिशन मिशन एडिशन उसका एंड ये किया जा रहा है रशिया में किया जा रहा है ठीक है ना दैट इज अ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो अगली जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग द इंडियन नेवल शिप शिवालिक एंड कड़मत रीचिंग जकार्ता इंडोनेशिया टू तो पार्टिसिपेट इन समुद्र शक्ति एक्सरसाइज तो इंडोनेशिया जकार्ता पहुंच चुके हैं हमारे और और कौन से हो रही है? समुद्र शक्ति समुद्र शक्ति याद रखेगा इंडिया एंड इंडोनेशिया तो ये जो समुद्र शक्ति है ना किसके बीच में इंडिया और इंडोनेशिया के की की बीच कीट्रल मैरिटाइम एक्सरसाइज है इसका एम है टू तो स्ट्रेंथन द बाइलेट्रल रिलेशनशिप To enhance the mutual understanding and interoperability in maritime operations between the two. नेवीज तो ये इसके बेसिक काम है जो मैंने आपको बताया होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूकेज क्वारंटाइन रूल अब आप सबको पता होगा कि यू के ने क्वारंटाइन रूल में लिखा है कि इंडिया के जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको एक नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उनको भी साठ दिन का क्वारंटीन पीरियड दिया जा रहा है ऐसे में इंडिया ने कहा है कि भैया देखो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करोगे तो हम भी आपके बिल्कुल सेम रेसिप्रोकल स्टेप्स लेंगे और आपको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप हमको ट्रीट कर रहे हैं एंड रेसिप्रोकल्स क्वारंटाइन रूल में लगाए जा सकते हैं अगली जो है वो न्यूज़ ये है कि जो प्रोसेस है वीमेन को एनडीए डी ए में लाने की वो बाय मे 2022 तक क्लियर हो जाएगी एंड यूपीएससी विल ऐड वुमेन इन द नोटिफिकेशन जो यूपीएससी वो अपने अगले नोटिफिकेशन में वुमेन्स का नाम भी इंक्लूड करेगा कि आप वीमेन भी एलिजिबल हैं फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी जिनको एडमिशन मिलेगा फॉर एंट्री इन द आर्म्ड फोर्सेज टू बी रेडी इन मे टू तो पूरी प्रोसेस जो है वो दो तक रेडी हो जाएगी इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आपको याद रखना है इट कम्स अंडर था जो ये, ये है ना ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत औका सा आपको पता ही है ट्राईलिटरल ग्रुप है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस इसमें इन्वॉल्व है याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया यू एंड यू एस है आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं आते हैं हम अपने एडिटोरियल पेज पे एडिटोरियल पेज में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग द बिग डील बिहाइंड द र्यूकस ओवर ऑकस अब यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ये भी ऑकस के ऊपर ही है आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया गया ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का ऑथर ने कहा है कि अभी बहुत सारे रिसेंटली आपको ग्रुप्स देखने को मिले होंगे अब कौन कौन से ग्रुप्स की बात है पहले तो क्वाड ग्रुप आप सबको पता होगा क्वाड ग्रुप में कौन कौन था इंडिया है जापान है यूएसए है ऑस्ट्रेलिया है ठीक है ना फिर ऑथर ने दूसरी चीज़ जो बोली वो है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मालाबार एक्सरसाइज में पहले याद रह, याद होगा आपको जापान था यूएस था इंडिया था ही अभी रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वॉल्व किया गया तो एक तो मालाबार एक्सरसाइज भी तीसरा जो है ऑथर ने यहाँ पे नाम लिया है वो नाम इसका लिया है ऑकस का ऑकस में ऑस्ट्रेलिया आ गया यूके आ गया यूएस आ गया इसके अलावा रिसेंटली uh, कुछ दिन पहले चार अभी न्यूज थी फ्रांस भी इन्वॉल्व हो रहा था फ्रांस ऑज ऑल्सो गेटिंग इन्वाल्व इन द एक्सरसाइजेज इन द इंडो पैसिफिक्स तो बात ऑथर ने कही है बेसिकली कि ये जो पूरा फोकस अगर आप देखो तो वर्ल्ड लेवल पर फोकस जो शिफ्ट हो रहा है वो इंडो पैसिफिक पे शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस शिफ्ट होने का रीज़न रीज़न दो 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 तीन रीजन मेन है एक तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा एक चोक पॉइंट टाइप का रीजन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रीजन है है ना फॉर द ट्रेड ऑल्सो एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ से जो उसकी लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा जो पॉइंट इसमें वो है चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस चाइना का जो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमने देखा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो काफ़ी अग्रेसिव हो गया है साउथ चाइना सी में हमने देखा है कि किस तरीके से अग्रेसिवली एसर्टिवली उन्होंने एक तरीके से अपने आईलैंडस बना लिए हैं और दूसरी कंट्रीज़ को जीने नहीं दे रहे हैं ना तो दैट इज अ थिंग विच इज हैपनिंग तो ये मेजर रीजन है कि आपको इंडो पैसिफिक पे एक बढ़ता हुआ एक फोकस दिखेगा कंट्रीज का और इतने नए नए ग्रुप्स और इतने नए नए अलग अलग तरीके के ग्रे वाइन्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं ठीक है ना इसके बाद ऑथर ने यह भी कहा है कि बहुत सारी साइज हो रही हैं जैसे मालाबार मैंने आपको बता ही दिए दीज वर द हैपनिंग देयर एंड इसके अलावा यूएस नेवी जापानीज आप देखें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी देखो तो ये सब मिल करके uh, काफ़ी काफ़ी अच्छे से एक तरह से पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें करना शुरू कर चुकी हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइनीज तो कोल कुल मिलाकर के जो कोर इशू है वो कौन कौन सा है कोर इशू इस समय इंडो पैसिफिक चल रहा है दिस इज वॉट सेज इन दिस आर्टिकल एंड तीसरा जो रीजन है इन सब चीजों के बनाने का वो ये है टू तो मेंटेन द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन तो अब ये रिस्पॉसिबिलिटी इन कंट्रीज को लेनी पड़ेगी टू तो मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन वैसे चाइना के भरोसे हमने छोड़ दिया सब कुछ तो चाइना ने तो वही किया है ना सब कुछ एक कर दिया सब कुछ वही चाइनीज बना दिया लेकिन अगर हमको पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए तो इस तरीके की जो बड़ी कंट्रीज हैं यूएस हो गया यूके हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया इंडिया हो गया हमारी जैसे कंट्रीज को कुछ करना पड़ेगा और इनको रोक सकते हैं ऑथर ने कहा है कि वही चीजें बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं कि चाइना को, चाइना को रोकने के लिए बन रहा है बिल्कुल वही वाली बात है भले आप डायरेक्टली आप इसको एक्सेप्ट ना करें लेकिन इंटरनली आप सब ये चीज जानते हैं कि जो चैलेंज है रियल वो चाइना का बढ़ता मिलिटराइजेशन है द द राइजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ चाइना इज बिगेस्ट थ्रेट दैट इज हैपनिंग दैट इज कमिंग इन द माइंड ऑफ दीज कंट्रीज ना केवल उसका मिलिटराइजेशन बल्कि चाइना का राइजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेचर भी चाइना का अगर आपने इकोनॉमिक स्ट्रेचर देखा तो वो भी अमेरिका से कंपेरिजन में आगे आ गया रहा है ना अगर आपने देखा तो हावी का जो 5G का बैटल चल रहा था ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ ही चल रहा था तो इस तरीके से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट टक्कर दे दी इकोनॉमिकली भी तो ये जो मिलिट्रली हमको देखने को मिल रहा है ना उसका रीजन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी है ठीक हाँ है ना एंड यही चीज औथर ने यहाँ पे बताई है चाइना का जो राइजिंग मिलिट्री पावर है उसका जो रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसने मजबूर किया है इस तरीके के उसको आप देख सकते हैं ऑथर ने कहा कि जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया मतलब पहले उन्होंने कहा था एक परसेंट ऑफ जीडीपी की लिमिट लगा रखी थी डिफेंस बजट पर लेकिन इस बार उनका बजट टू का है मतलब टू का नॉमिनल uh, इंक्रीज़ देखने को मिला है टू का नॉमिनल इंक्रीज़ सॉरी देखने को मिला है उनके बजट में एंड दैट इज़ अ बिग थिंग है न? तो ये जापान जैसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हमने देखा कि जो ऑकस होगा उससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ग्रुप आएगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरी मिलेंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरी मिलेंगी आठ न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरी बनेंगी जो कि उनकी जो नेवल पावर है उसको इंक्रीज करेगा उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको इंक्रीज करेगा और रीजन में जो उसका इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया का

अगस्त से जो मेन बेनिफिट है वो यूके को मिल सकता है इसकी फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूनाइटेड किंगडम को टू री इंसर्ट इट सेल्फ मोर डायरेक्टली इन टू द इंडो पैसेफिक इंडो पैसेफिक जहाँ पर इन्होंने इतना राज्य किया पहले वहाँ पर दोबारा इनको एंट्री करने का मौका मिल रहा है इट इज़ ऑलरेडी अ मेम्बर ऑफ द फाइव आईज आप सबको पता है कि यू के जो है ना ये ऑलरेडी फाइव आईज़ का मेंबर है अब ये फाइव आईज़ कौन है पाँच आँखें कौन है पाँच आँखों के अंदर आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके एंड यू एस ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके यूएस दीज आर द फाइव आइस कंट्रीज तो ये भी आप इनको याद रखेगा अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ऑकस जो है वो क्वाड का सब्सटीट्यूट नहीं है एक डाउट हमको क्लियर कर लेना चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि क्वाड का रेलिवेंस घट जाएगा इंडिया का रेलिवेंस घट जाएगा क्योंकि ऑकस का मेंबर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ऑकस का बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है यूके ऑस्ट्रेलिया यु, की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है वहीं पर अगर हम देखें जो क्वाड ग्रुप है उसमें चारों कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से लगभग बराबर ही हैं और पावर में भी और उनका जो ए, सेम पीड़ा जो पहुंचा रहा है वो चारों को पीड़ा पहुंचा रहा है उनमें से ऑस्ट्रेलिया ये चाइना है ना तो कुल मिलाकर के ये जो क्वाड ग्रुप है बिल्कुल डिफरेंट है क्वाड uh, ग्रुप एक सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया गया है है ना बहुत सारे उसमें परस्पेक्टिव हैं बहुत सारे उसका ऑब्जेक्टिव है, है ना बहुत ब्रॉड थीम्स हैं जैसे मेरी सिक्योरिटी हो गई फ्री ओपन ट्रेड हो गया हेल्थ केयर हो गया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गई सप्लाई चेन हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई तो ये बड़े बड़े ब्रॉड थीम्स में क्वाड की ग्रुपिंग काम करती है वहीं पर यह जो है ज्यादा ये फोकस्ड रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उनके सिक्योरिटी उनके समेरी सबमरीन्स न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स के डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस्ड रहेगा ज़्यादा ठीक है ना That is the thing which is important and यहाँ पे ऑथर ने कहा कि बीजिंग ने वही किया जो पहले वो करता आया इन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है and this is the hypocrisy by China क्योंकि आर्म्स रेस में वो खुद सबसे आगे हैं उन्होंने सारी चीज़ें बना रखी हैं वो दूसरे कहते नहीं नहीं आप मत बनाना ठीक है ना दैट इज़ द हिपोक्रेसी दैट लाइज इन इन दिस है ना इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव का भी जिक्र किया है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव याद रखिएगा इंडिया का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का बैलिस्टिक सबमरीन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव बोलते हैं ठीक है न्यूक्लियर कैपेबल सबमेरी बना रहे हैं

में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ जिसको रिपन ने करवाया ठीक है ना रिपन ने करवाया तो फिर इसके बाद दस दस सालों में होते हैं नाइनटीन ट्वेंटी वन को बोलते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर द ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड बोलते हैं द ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड Uh, या फिर द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्योंकि उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो निगेटिव चला गया था ना द ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड भी कहा जा सकता है या फिर उसको ग्रेट पॉपुलेशन वो भी कहा कहते हैं अपन ठीक है ना एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ नॉट कंडक्टेड इज डिकेडल सेंसस सिंस द एक्सरसाइज बिगैन ये पहली बार था जब इंडिया ने अपनी ये सेंसाइज नहीं की है दो uh, में रिलीज होना था लेकिन दो में नहीं हो पाया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज हैपनिंग सिंस द सेंसस स्टार्टेड ऑथर ने आप यह कहा है कि जो सेंसस है वो अपना धीरे धीरे रेलिवेंस लूज करता जाए इसके पीछे जो लॉजिक दिया उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हैं वो कहने लगे भैया कास्ट सेंसस करो वो कहने लगे भैया रिलीजियस सेंसस करो कुछ और पर्टिकुलर एक एट्रॉसिटी या पर्टिकुलर एक करेक्ट्रिस्टिक को उठा करके वो सेंसस कराने की बात कर रहे हैं ठीक है ना तो ऑथर ने कहा कि ये जो कास्ट सेंसस हैं और ये इन सब इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसस है जो डिकेडल सेंसस है बट डिकेडल सेंसस को लोग अब ये मानते हैं कि ये केवल पॉपुलेशन के नंबर्स को काउंट करने के लिए है बट ऑथर ने कहा कि ये नहीं इट इज़ मच मोर देन दैट है ना यहाँ पर ऑथर ने एक सजेशन भी दिया था कि सेंसस को आपको मिस नहीं करना चाहिए भले आप डिजिटल सेंसस कर लो डिजिटल uh, सेंसस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा है और वो क्वालिटी को भी इंश्योर करेगा कवरेज भी उसकी ज़्यादा रहेगी डिजिटल एज है सबके पास मोबाइल है आप सब ये देख सकते हैं डिजिटल सेंसस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है ना ये आ, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो आ, जो सेंसस से है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट का साइज है ये केवल मेयर पॉपुलेशन का इन्यूमेशन नहीं है केवल ये नंबर्स का इन्यूमरेशन नहीं है उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती हैं ठीक है ना तो ऑथर ने वही कहा कि पहले हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है तब तो हम उसके प्रति सीरियस हो पाएंगे ये केवल काउंटिंग द पॉपुलेशन नहीं है ठीक है ना लेकिन जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है वो केवल और केवल उसको वो पॉपुलेशन तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पर सेंसर के सेंसस का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नॉन यूटिलाइजेशन हो रहा है सेंसस डेटा में डेटा बहुत सारा है तो उसका अंडर यूटिलाइजेशन या नॉन यूटिलाइजेशन हो रहा है दिस इज वर्ड द ऑथर सेज ठीक है ना इसके अलावा ऑथर ने यह कहा है कि जो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं जो कंट्री में हैं वो भी सेंसस के थ्रू पता चलते हैं सेंसस जो है वो पॉलिसी फ्रेम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन स्टेट्स में देखो आप सबको पता होगा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रहती है वो एजुकेशन की ग्रोथ से रिलेटेड रहती है हेल्थ से रिलेटेड रहती है एजुकेशन से रिलेटेड रहती है रिलेटिव रहती है मतलब जहां एजुकेशन ज्यादा होगा वहां पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा कम होगी ये भी आपको पता है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो जाती वहां पर फिर थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है तो जैसे आपने सेंसस किया अब आपको पता है कि इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एजुकेशन का लेवल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा थोड़ा कम होगा तो आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं

करना है ठीक है ना तो ये ऑथर ने यहां पे ये कहा है एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि सर्वे का अंडर यूटिलाइजेशन कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि वो डेटा रिलीज ही नहीं होता या लेट रिलीज होता है या सेंटर उसको अपने मन से जो है उसको ऊपर नीचे करती रहती है ठीक है ना जैसे कि ऑथर ने आप इग्जाम्पल दिया है कि जब तक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने दो हजार के सोलह सत्रह के इकोनॉमिक सर्वे में माइग्रेशन का डेटा नहीं दिया तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि 2011 के सेंसस में माइग्रेशन का डेटा भी कलेक्ट हुआ है अब आप सोचो माइग्रेशन का डेटा अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कितना ज्यादा वैल्यूएबल है माइग्रेशन के डेटा का यूज कितना अच्छे से किया जा सकता है पॉलिसी मेकिंग के लिए इतने सारे

फिक्स कर दिया जाता है लगभग फिक्स ही रहता है लिविंग द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ कन्वर्जन एंड ऑल अगर हम छोड़ें तो ये बाकी चीजें फिक्स हैं। ऑथर ने कहा कि जो आपके वेरिएबल एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेंसस करना ही है शौक इतना है आपने कसम ही खा लिया कि आपको सेंसस करना है किसी दूसरी चीज पे तो आप एजुकेशनल सेंसस करो आप हेल्थ सेंसस करो ऑथर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है ऑथर ने कहा है कि आप ये फिक्स्ड थीम्स में मत करो इनका रेलिवेंस इतना ज्यादा नहीं रहेगा आप करो एजुकेशनल सेंसस आप करो हेल्थ सेंसस आप करो स्किल सेंसस आप स्किल डेवलपमेंट का सेंसस करो ना तब आपको पता चलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना डेवलप्ड है इस कंट्री का तो दीज आर द थिंग्स विच हैव

क्राइटेरिया हो इसकी स्किल सेट हो ये सारी चीजें तो हम खुद चाहते हैं तो वही चीज़ ऑथर ने कही है कि आप इस तरीके की आइडेंटिटीज को छोड़ करके ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है उनको आप सेंसस में इंक्लूड करिए ठीक है ना आगे है के कस्तूरी रंगन टू लीड द सिलेबस पैनल तो अब सेंटर ने कहा है कि चेयरपर्सन तो के, के कस्तुरी रंगन को एज द हेड ऑफ द ट्वेल्व मेंस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो बनाया जाएगा लास्ट टाइम दो हजार में बनाया गया था पूरा करिकुलम, पूरी टेक्स्ट बुक्स कौन सी सिलेबस कौन सी बुक्स में क्या पढ़ाया जाएगा कौन सा चैप्टर कौन सा नहीं रहेगा ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी के रंगन कमेटी उसको लीड करेंगे के रंगन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा लास्ट टाइम जो ये फ्रेमवर्क बनाता है दो में बना था ठीक है ना एंड uh, uh, अब जो है ये पूरी टेक्स्ट बुक जो है वो फिर से चेंज होगी दिस इज डन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगली न्यूज है वी आर चौधरी अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो अगले हैं वो हैं विवेक राम चौधरी एंड इसके पहले जो थे वो थे uh, आपको पता हो आर के एस भदौरिया ही इज़ रिटायरिंग ऑन थर्टीथ सेप्टेम्बर तीस सितंबर को रिटायर होने वाले हैं आर के एस भदौरिया नाम था इनका एंड अब जो है वो वी आर चौधरी बनेंगे आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ याद रखेगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनेंगे तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं फर्टिलिटी रेट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कन्वर्जिंग तो अभी रिसेंटली स्टडी की गई थी प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा ये प्यू रिसर्च सेंटर कहां पर याद रखेगा ये प्यू रिसर्च सेंटर है ये आपका बेस्ड है नॉट प्रॉफिट बेस्ड है वाशिंगटन डीसी में तो याद रखिएगा नॉट फॉ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्यू रिसर्च सेंटर और कहाँ बेस्ड है वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है तो वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है इन्... इन्होंने रिसर्च करके बताया है कि जो रिलीजियस uh, कंपोजिशन है इंडिया का वो लगभग सेम रहा है क्यों क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट्स हैं अलग अलग रिलीजन्स के वो कन्वर्ज कर रहे हैं स्पेशली uh, अगर आप देखें तो नाइन्टी के आसपास जो मुस्लिम्स uh, का फर्टिलिटी रेट था वो फोर था हिंदूज़

अब ऑथर ने कहा है यहां पे कि रेलवे जो है सी बी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है बता दूं कि सी बी सी नॉर्म्स दो में आया था तो बी सी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट संस्था है अगर तो वो क्या करेगी उसका जो आपका सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर रहेगा वो दूसरी संस्था से आएगा एक्सटर्नल होगा वहीं की पोस्ट वहीं के ऑफिसर को नहीं दी जाएगी तो ये चीज रेलवे नहीं कर रहा है दिस इज वॉट इज हैपनिंग सीबीसी आपको पता है कि चीफ विजिलेंस कमीशन

अपोजिशन पार्टी ये भी याद रखिएगा टर्म्स इसका फोर ईयर और सिक्सटी फाइव ईयर होता है चार और पैंसठ याद रखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सेंड वोटर गाइड्स इन ब्रेल तो ब्रेल लिपि में वोटर गाइड्स प्रोवाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बातें करेंगे ही थोड़ा इंक्लूसिव रहता है ठीक है दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड इंडिया ने पाँच सौ इक्कीस मेगावाट रूफ ट सोलर अचीव कर लिया है इन द क्वार्टर टू ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज द हाइस्ट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन अ क्वार्टर याद रखेगा एंड इंडिया ने फाइव ट्वेंटी वन मेगावाट का रूफ टॉफ सोलर कैपेसिटी का जो टारगेट था उसको पूरा कर लिया है सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे